जय जगन्नाथ। ओडिशा रे सबू भाइयों भौणी मान को मोर नमस्कार एवं जुहार। ओडिशार मोर सब सबू परिवारजन माँ मौसी भाई भावनी जूब साथी मान को शुभेच्छा ओ अभिनंदन। पांच दिन पहले मुझे दिल्ली में उड़ीसा पर्व इस शानदार समारोह में शामिल होने का अवसर मिला था और बहुत बढ़िया मसाले वाली चाय भी पी थी। और मैंने धर्मेंद्र को जरा डांटा था, मैंने कहा यार इतना बढ़िया कार्यक्रम किया, मेरे पास जरा ज्यादा समय होता तो मैं और ज्यादा अंदर घूम लेता। शानदार कार्यक्रम था जी। ओडिशा पर्व में उड़िया विरासत और गौरव के वो भव्य दर्शन, उड़ीसा के लोगों का स्नेह और अपनापन, वो मेरे लिए बहुत ही यादगार पल है। आज मुझे बाबा लिंगराज की पावन धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। मैं इस एकाम्र क्षेत्र को प्रणाम करता हूं, मैं महाप्रभु जगन्नाथ के चरणों में प्रणाम करता हूं। साथियों, यहां एयरपोर्ट पर ही इतनी संख्या में आपका आना, उड़ीसा के लोगों का आना, और मुझे तो इसका एंड दिखता ही नहीं है, लोग ही दिखते हैं। आपके इस प्यार के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। और मैं देख रहा हूं कि एक उमंग ऊर्जा आपके चेहरों पर, खुशी चमक मैं देख भी रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं। और ये चमक बता रही है कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों ने, हरियाणा के चुनाव के नतीजों ने, और इन दिनों देश भर में जो उपचुनाव हुए उससे जो नतीजे आए हैं, पूरे देश में कैसा विश्वास भर दिया है, ये मैं आपके आंखों में देख रहा हूं। अब देखिए, उड़ीसा ने शुरुआत की, फिर हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, और यही तो भाजपा की विशेषता है, और यही हमारे कार्यकर्ताओं का सामर्थ्य है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सामर्थ्य है। विपक्षी दल बीजेपी सरकार के खिलाफ सुबह शाम अपप्रचार करते रहते हैं, लेकिन जनता बीजेपी सरकार के कामों को देखकर उन्हें आशीर्वाद देने खुद मैदान में दौड़ पड़ती है। आप याद करिए, चुनाव से कुछ महीने पहले तक बड़े बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ओडिशा में बीजेपी को पूरी तरह से खारिज कर रहे थे। ये लोग कह रहे थे कि उड़ीसा में बीजेपी इतनी बड़ी ताकत बन ही नहीं सकती कि वो अपने आप अपने बलबूते पर सरकार बना ले।
लेकिन जब परिणाम आए तो सारे के सारे अपने आप को बड़ा तीसमार का मानते थे। वो लोग हैरान हो गए, क्योंकि उड़ीसा के लोगों ने भाजपा की केंद्र सरकार के कामों को और दिल्ली में बैठते हुए भी उड़ीसा के लोगों के साथ जो अपनापन का नाता, सुख दुख का साथ, ये 10 साल में उड़ीसा के गांव गांव, घर घर ये बात पहुंच चुकी थी। जब राज्य में हमारी सरकार भी नहीं थी, हमारी योजनाओं के नाम भी बदल दिए जाते थे, सब कुछ होता था, फिर भी ओडिशा के विकास के लिए पूरी लगन और ईमानदारी से हम लगातार काम करते रहे। केंद्र सरकार ने, और मैं कहता हूं भारत सरकार के मंत्रिपरिषद में जितना उड़िया का प्रतिनिधित्व रहा है पहले कभी नहीं रहा। और केंद्र सरकार ने कभी ये नहीं सोचा कि यहां पर जो सरकार है वो हमारे साथ है, नहीं है, कार्यकर्ताओं को अच्छा लग रहा है, बुरा लगता है, हम वो नहीं सोचते थे। हम जनता का भला करना सोचते थे। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।